स्वागत है आपका बकवास न्यूज चैनल में। न्यान नगर सुनीपुरा मालेगांव में एक अजीमुल शान प्रोग्राम रखा गया है। इनके जो सरपरस्त है प्रोग्राम के, आओ उन्हीं से हम बात करते हैं कि इस प्रोग्राम किस वजह से रखा गया है। आओ उन्हीं से बात करते हैं। प्रोग्राम किस वजह से रखा गया है हमें जानना चाहते हैं। पूरा सोशल मीडिया आपको देख रहा है। ये चैनल पे जो तुम पूछने के लिए जो आए हमसे, ये प्रोग्राम आज पहले दिन का या पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई सालों से हो रहा है। कितने साल से हो रहा है? कम से कम ये बच्चे लोग 5-6 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं और ये बहुत बड़े पैमाने में प्रोग्राम करते हैं। ये कोई चंदे उंदे का प्रोग्राम नहीं है। ये बच्चे अपने खुद की मेहनत की कमाई जमा करके साल भर और खाजा की चटनी धूमधाम से बनाते हैं। तो सर ये गैर सियासी है क्या? सियासी है, इसमें किसका अमल दखल है यार, आप बताइए। कैमरा में कोई भी मेंबर या कोई जिम्मेदार ऐसा, यानी सियासी बोलो या दिनदार बोलो या ऐसे कोई लोगों का इसमें अमल दखल नहीं है। ना उनका कोई पैसा है, ना कोई गाड़ी वालों से दिया गया, ना होटल वालों से दिया गया। ये अपनी खुद की उनकी जाति कमाई है और ये जाति कमाई के ऊपर वो अपना प्रोग्राम करते हैं और उनको बहुत खुशी मिलती है ये प्रोग्राम करने से और बहुत मुतमिन होते हैं वो। इसलिए हर साल बड़े जोर खोज से बुरहानपुर से पकाने वाले को लाते हैं और जो गरीबों को है, जो दाल चावल नहीं खाने को नसीब होता है, उनके गरीब ये गरीब लोग खाजा की छट्टी के बांधने से उनको भी खाना नसीब। तो अच्छा, ये खाजा की छट्टी के मनमान पर ये प्रोग्राम रखा जाता है। जी हाँ जी। ये लगभग कितने साल से हो रहा है? करीबन 4-5 साल से प्रोग्राम। 4-5 साल। इसका बजट कितना होगा सर, बताएंगे? ये कम से कम 1-1.25 लाख का बजट है। जो भी बच्चे लोग 40-50 बच्चे हैं वो लोग साल में जमा करते हैं। ये इनके जाति पैसे से या फिर कुछ चंदा वगैरह? किसी भी 1 रुपया किसी गैर का नहीं है, ना मेम्बर का है, ना कोई किसी दुकानदार का है, ना गली महल्ले का है। ये उनकी खुद की अपनी मेहनत की, कोई अम्माल है, कोई रूम चलाने वाला है, कोई गद्दे वाला है, और सब की मेहनत का पैसा जमा करके प्रोग्राम करते। ये प्रोग्राम किस तरह चल रहा है, कैसे हो रहा है कि आप हमें बता सकते हैं? चलिए, आप जब प्रोग्राम चल रहे हैं हम तुमको बाहर उसकी बच्चों से भी मुलाकात कराते हैं और जो खाना पकाने वाले बुरहानपुर और साहब आते हैं आप उनसे मुलाकात करते। बुरहानपुर से पकौजिया आता है? पकौजिया आता है, 2 दिन उनकी किस्मत करते हैं, उनको लाज में रखते हैं, उनका मायदा दिया जाता है, उनको खाने का इंतजाम किया जाता है। आप चलिए उनसे भी बात करते। चलिए चलिए। पकाने वाले आए हैं और ये हर साल आते हैं, काफ़ी समझ लो कि 4-5 साल से लोग पकाने आ रहे हैं। और बाकी का आप जो है कैसे पकाते हैं, क्या पकाते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। सर आप लोग कितने साल से आ रहे हैं लगभग? 4-5 साल से आ रहे हैं लगातार। और आप अकेले हो? हम दो हैं साथ में। ये भाई भी है क्या? हाँ जी, हम भी साथ में हैं। ये 4-5 साल से आ रहे हैं? 4-5 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं हम यहाँ पे और मतलब खाना बनाते हैं यहाँ। और ये मतलब जितने भी है यहाँ के कार्यकर्ता बड़ी मेहनत रहती है जो मतलब ये प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। बाकी हम कुछ नहीं कहना चाहते। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।